क्या दिशा अपने रोल से कर पाई न्याय? कैसी थी बागी 2? टाइगर से ज्यादा किस एक्टर की हुई तारीफ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अपने फिल्मी करियर की दूसरी फिल्म बागी से 100 करोड़ क्लब में एंट्री करके टाइगर ने दिखा दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। फिल्म के निर्माताओं ने उसी वक्त बागी के सीक्वल की घोषणा कर दी थी, जो कि 2018 में रिलीज हुई। बागी 2 तेलुगु फिल्म शनम की रीमेक है। खास बात ये रही कि इस फिल्म के रिलीज से पहले ही मेकर्स ने इसके तीसरे भाग की भी घोषणा कर दी थी। आजकल ये सीरीज एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि इसमें चौथी कड़ी भी जुड़ने वाली है। बागी 4 से जुड़ी कई खास बातें हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। आइए उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर बागी 2 कैसी थी। जब बात दिल और दिमाग के बीच फंसी हो तो हमेशा दिल की सुनो। फिल्म बागी 2 का हीरो कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी भी कुछ ऐसा ही करता है। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको काफी उलझा जाती हैं। आखिर रॉनी इस मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब हो पाता है या नहीं, इसके लिए आपको हमारी कहानी वाली वीडियो को देखना होगा। आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्मों से आप क्या उम्मीद करते हैं? कुछ अच्छे एक्शन सीन्स, कुछ अच्छे डांस मूव्स, तो बागी 2 में आपको ये सब देखने को मिलेगा। मूवी में नेहा यानी कि दिशा पटानी पर एक अटैक होता है और उसे बचाने रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ वन मैन आर्मी की तरह आता है, जैसे किसी भी बॉलीवुड फिल्म से उम्मीद की जा सकती है। फिल्म में रॉनी और नेहा की बैक लव स्टोरी भी दिखाई जाती है। रियल लाइफ कपल टाइगर और दिशा की जोड़ी ऑन स्क्रीन भी काफी जमी, खासकर उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बेहतर होने की वजह से स्क्रीन पर भी ये कपल काफी अच्छा दिखा। हालांकि दिशा और बेहतर कर सकती थी, इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे अच्छा काम उन्होंने अपनी पहली फिल्म MS धोनी में किया था। वहीं खुद टाइगर ने अपने फैंस को हैरान कर देने वाले ढेरों एक्शन सीन्स किए हैं, जो कि सिनेमा घरों में फैंस को सीटियां बजाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वन मैन आर्मी के रोल के अंदाज में फबते हैं। अगर आपको ना पता हो तो बता दें कि अपने एक टॉर्चर सीन में टाइगर पूरी तरीके से बिना कपड़ों में नजर आए थे। यही नहीं, उन्होंने फिल्म के लिए खास तौर पर हांगकांग में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली थी। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको बांध कर रखता है, लेकिन सेकेंड हाफ में डायरेक्टर अहमद खान फिल्म को संभाल नहीं पाए और आखिरी आधे घंटे में टाइगर के बेहतर एक्शन सीन्स के बावजूद कहानी के लेवल पर फिल्म पटरी से उतर जाती है। फिल्म की शूटिंग मनाली, थाईलैंड, गोवा, लद्दाख की खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का संगीत ठीक ठाक था, हालांकि जैकलिन फर्नांडिस पर फिल्माए गए माधुरी दीक्षित के गाने 1, 2, 3 की तो पहले से ही काफी तारीफ हो चुकी है। हालांकि अगर आप हैरत अंगेज एक्शन सीन्स वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो टाइगर श्रॉफ आपको कतई निराश नहीं करेंगे। फिल्म के सेंटर कैरेक्टर से ज्यादा हाईलाइट फिल्म के साइड एक्टर्स ने ले ली। फिल्म में मनोज वाजपेयी, रणदीप हुड्डा और दीपक डोबरियाल कमाल के लगे हैं। खासकर रणदीप हुड्डा की कॉमेडी फिल्म की जान है। प्रतीक बब्बर भी अपने रोल में अच्छे दिखे। प्रतीक ने विलन के रोल में बड़े पर्दे पर वापसी की है। हाँ, ये बात और है कि इस कहानी का असली रावण कोई और ही निकलता है। DIG के रोल में मनोज वाजपेयी हमेशा की तरह जमे हैं। वहीं ACP के रोल में रणदीप हुड्डा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। दीपक डोबरियाल ने भी उस्मान लांगड़ा के रोल में बखूबी अच्छा काम किया है। अब बात इस कड़ी में आने वाली चौथी भाग यानी कि बागी 4 की करते हैं, और आपको बता देते हैं कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और सैफ अली खान की लाडली सारा अली खान की फ्रेश जोड़ी दर्शकों को देखने को मिलने वाली है। फिल्म का निर्माण एक बार फिर अहमद खान करेंगे। खास बात यह है कि फिल्म में धमाकेदार एक्शन होने वाला है और इसकी शूटिंग इंडिया और विदेश समेत कई बेहतरीन लोकेशंस पर होगी। हालांकि इस बार टाइगर कोई आर्मी या पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक साधारण आदमी के रोल में होंगे, जो कि एक लोकल गुंडा है और आए दिनों नई लड़कियों को छेड़ता रहता है। हालांकि सारा से मिलने के बाद वो बदल जाता है और फिर उसी के लिए लड़ाइयां लड़ता है। अब फिल्म की बाकी कहानी और कास्ट कैसी होगी, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। फिल्म से जुड़ी कई और खास और अनोखी बातों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाली वीडियोस जरूर देखती रहिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है ऋचा गर्ग।